हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो लास्ट व्लॉग था वो हमारा दोबारा से कंटिन्यू हुआ है, क्योंकि हम दोबारा से मार्केट में आए हैं। बिकॉज मैंने जैसे कि कहा था कि मुझे दोबारा आना है, मुझे बहुत सारे काम है, और इवन मैंने मार्केट के 3 से 4 चक्कर लगाए हैं आज। तो अभी हम दोबारा जा रहे हैं। अब हम बहुत ही मेन काम के लिए जा रहे हैं, जो सगाई में मेन काम होता है उसके लिए जा रहे हैं। तो बस अभी हम इन गाड़ियों के जाम से गुजरते हुए आगे हम पहुंचेंगे, क्योंकि हमें रिक्शा लेना है। आगे से हम रिक्शा लेंगे और हमें थोड़ा दूर जाना है मार्केट में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ फ्रूट मार्केट में आ गए हैं। यहाँ पे फ्रूट्स बहुत सही रेट पे मिलते हैं, तो हमें जो है फ्रूट्स यहाँ से हम ले रहे हैं। यहाँ पे हमें ना टोकरा बंधवाना है, जो सगाई में टोकरा जाता है ना बड़ा फ्रूट, वो टोकरा बंधवाना है। तो बस उसी के लिए हमने सारे फ्रूट्स इकट्ठे हमने अपने आप किए हैं, क्योंकि ये लोगों को दे दो ना तो ये लोग एक तो महंगा लगाते हैं, ऊपर से फ्रूट्स अपने मनचाहा रखते हैं। तो हमने सारे फ्रूट्स ना अलग अलग खरीदे हैं और बाद में हम टोकरा लगवा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि टोकरे को कैसे लगाते हैं, कैसे नहीं। अगर आप घर में चाहें तो घर में भी लगा सकते हैं। चलिए देखते रहिएगा। तो आप देख रहे होंगे ना कैसे कैसे मतलब फ्रूट्स का लगाया जाता है, और हमने ना अलग अलग फ्रूट्स अपने आप खरीदे ना, तो इससे ना हमारा टोकरा बहुत बड़ा बना और हमें सस्ते में पड़ा। क्योंकि ये 10 से 12 किलो का जो टोकरा होता है, 11 किलो का जो टोकरा होता है, वो 1200-1300 रुपये में बता रहे थे, और जबकि हमारा 20 किलो से ऊपर का टोकरा बना और खूब बड़ा बना, तो वो हमारा बहुत ही सस्ते में निमट गया था। मतलब जितना 10 किलो का बनता है उतना हमने 20 किलो 22 किलो का बना लिया। तो बस इस सब को दिखाने का मेरा मकसद यही था। अगर आपको इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो तो आप प्लीज़ अपने आप ही फ्रूट्स खरीदें, फिर टोकरा लगाएं। टोकरे लगाने के ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं, 100-150 रुपये लेते हैं। तो अभी ये देखिए टोकरा लग रहा है, और इसकी देखिए कैसे सजावट होती है ना, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे भी देखना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो इनमें सारे फ्रूट्स रखे हैं हमने सारे, और इसके अंदर फ्रूटी वगैरह भी ऐड की जाती है। आप चाहे तो चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है, बट हमने फ्रूटीज दो और एप्पी खजूर और सारे फ्रूट्स और अनानास सब कुछ हमने ऐड किया है। चॉकलेट क्या है ना, मेल्ट वगैरह हो जाती है, इसी वजह से हमने ऐड नहीं कराई।
तो फाइनली हमारा ये टोकरा बन गया है। अब हम चलते हैं घर में। हम मैं मेरी बेटी और हम मेरी सिस्टर आए थे और यहाँ हम आ गए हैं अपने घर पे। तो यहाँ पे जो टोकरा है ये मेरे हस्बैंड उठा के लेके जा रहे हैं। तो फाइनली अब हम घर के अंदर चलते हैं और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग मॉर्निंग से मिलेगा आपको, तो आई होप आप लोग वेट करेंगे बिकॉज़ यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम थी इस वजह से। और ये देखिए बच्चे भी रो रहे हैं कि हाँ क्या आ गया है घर के अंदर। और ये नानी बैठी हुई है साथ में और ये रख दिया है टोकरा। बाय बाय एंड टेक केयर, फिर मिलूँगी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।